नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। फरुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जोगराज स्ट्रीट और इसके साथ ही मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सकवाई से मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता के दो जगह पर ईडी की दो टीमों ने एक साथ छापा मारा है और शहर के मोहल्ला जोगराज में ही मौजूद ओम प्रकाश हॉस्पिटल पर पैरामिलिट्री के साथ ही ईडी की टीम पहुंची थी। ईडी की दूसरी टीम ने ही मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गाँव सकवाई में मौजूद ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर यह छापा मारा गया है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अमेठी में शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल प्रबंधक का शिकार बोर्ड एग्जाम के ही परीक्षार्थी हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि हाई स्कूल और इंटर के ही परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र न मिलने से बोर्ड परीक्षा छूट गई है, जिसके बाद से ही प्रवेश पत्र के लिए स्कूल गेट पर ही परीक्षार्थी धरने पर बैठ गए हैं। कक्षा 10th के लगभग ही 34 और 12 के ही लगभग 30 बच्चों को प्रवेश पत्र ना मिलने से परीक्षा छूट गई है। वहीं कॉलेज में ताला बंद करके प्रबंधक और प्रिंसिपल गायब नजर आ रहे हैं। तो अमेठी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जो छात्र हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि निजी स्कूल संचालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें आपको कि पूरा मामला क्या है। अमेठी में ही शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालक की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर स्कूल प्रबंधक का शिकार जो है वो बोर्ड एग्जाम के परीक्षार्थी हो गए हैं। हाई स्कूल और इंटर के परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र न मिलने से बोर्ड परीक्षा छूट गई है, जिसके बाद से ही प्रवेश पत्र के लिए स्कूल गेट पर परीक्षार्थी धरने पर बैठ गए हैं। कक्षा 10th और इसके साथ ही लगभग आपको बता दें कि 34 और 12 के लगभग 30 बच्चों को प्रवेश पत्र ना मिलने से परीक्षा रद्द, बता दें कि छूट गई है उनकी परीक्षा। इसके साथ ही कॉलेज में ताला बंद करके प्रबंधक और प्रिंसिपल बता रहे हैं कि गायब हो चुके हैं। झांसी के थाना प्रेम नगर में एरिया स्टेशन मास्टर अजय दुबे की दबंगई देखने को मिली है, जहां एक दुकानदार के घर में घुसकर अजय दुबे ने मारपीट और तोड़फोड़ की है और कामेश्वर तिवारी ने आरोप लगाया है कि एरिया स्टेशन मास्टर ने ही एफडी तोड़ने को लेकर बवाल किया है। दुकानदार ने कहा है कि समय से पहले इसमें कुछ नहीं हो सकता और जिस पर दबंग एरिया स्टेशन मास्टर अजय दुबे ने उस पर दबाव बनाकर कहा है कि उसे 50,000 रुपये जरूरत है और वो उसे जल्द ही वापस कर देगा। जब दुकानदार ने अपने रुपए वापस मांगे तो अजय दुबे शराब के नशे में धुत होकर जबरन उसके घर में घुस गया और गाली गलौज करने लगा, और जिसके बाद शहीद पीड़ित दुकानदार ने न्यायालय की शरण ली है और न्याय की गुहार भी लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के ही द्वारा भूमि संरक्षण विभाग में आने वाली योजनाएं, जैसे कि खेत तालाब NMSA योजना और किसान समृद्धि योजना, इन सभी योजनाओं में बंदरबांट किया जा रहा है। रिटायर कर्मचारियों से भी काम लिया जा रहा है और विभागीय अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों की नोकझोंक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। यूपी के काशगंज में ही लोहे के पोल से जंजीर में बंधे एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने युवक को जंजीरों से मुक्त कराया। दरअसल लोहे के ही पोल में जंजीरों से बंधे सड़क पर लेटे हुए एक युवक के वीडियो को प्रेम किशोर नाम के व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से यूपी और काशगंज पुलिस को टैग कर मामले में कार्रवाई की बात कही थी, और जिसके बाद ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पुलिस ने ही पहुंचकर युवक को जंजीरों के बंधन से मुक्त कराकर घर के अंदर ले गए। बता दें आपको कि जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मामले की जब छानबीन की गई तो पता चला कि युवक राजकुमार मानसिक रूप से ठीक नहीं है और युवक का इलाज आगरा में चल रहा है, और पुलिस ने ही मौके पर पहुंचकर युवक को जंजीरों से बंधन मुक्त करवा कर ही अंदर मकान में इसके भाई के निगरानी में बैठा दिया था।
उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में भी हादसे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड की ही परीक्षा शुरू हो गई है। कल सुबह ही आपको बता दें कि 7 बजे से ही परीक्षा देने वाले छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा देने के लिए तत्पर दिखाई दिए। वहीं परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार पर परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं की तलाशी लेने के बाद अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया है। आपको बताते चले कि जनपद श्रावस्ती में ही 43 परीक्षा केंद्रों का 21,515 परीक्षार्थी परीक्षा देने देंगे। और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि हाई स्कूल के 12,644 और इंटरमीडिएट के ही 8,871 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फरुखाबाद के कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र, फरुखाबाद सदर कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी की गई है और फरुखाबाद में ईडी की छापेमारी से अचानक हड़कंप मच गया है। बताते चले कि फरुखाबाद में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है और इसके साथ ही बड़ी तादाद में ही ईडी के अधिकारी और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के ही कतरोली पट्टी गांव के पास सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई है और एक छात्रा घायल गंभीर रूप से हो गई है। युवक अपने रिश्तेदार को बाइक से ही 10th की परीक्षा दिलवाने जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। आपको बताते चले कि अज्ञात वाहन की टक्कर से ही युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई थी और वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नवाबगंज क्षेत्र में नवाबगंज फरुखाबाद मार्ग पर बकोड़ा घटना के पास ही देर रात को ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। तो आपको बता दें, थाना नवाबगंज क्षेत्र में नवाबगंज फरुखाबाद मार्ग पर ही भखोना भट्टा के पास देर रात को ट्रैक्टर और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बारातियों की मौत हो गई है। बता दें कि कार सवार 3 बारातियों समेत कई लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ही आनन फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल लोहैया में भर्ती कराया, जिसके बाद जिला अस्पताल लोहैया में कार सवार 2 बारातियों को EMO ने मृत घोषित कर दिया है। तो फरुखाबाद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद अब पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव के आवास विकास कॉलोनी में मौजूद चंद्रशेखर आजाद हाई सेकेंडरी स्कूल में ही लगभग 20 से 25 बच्चों की फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को पेपर में बैठने के लिए स्कूल से ही प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। जानकारी होते ही बच्चों के परिजन स्कूल पहुंच गए और परिजन स्कूल के प्रबंधकों से बातचीत की, पर बात करने के बाद भी स्कूल कार्मिक नहीं माने। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल त्रिवेदी ने ही
स्कूल पर पहुंचकर स्कूल प्रबंधक से बातचीत की है और वही स्कूल प्रबंधक ने ही प्रवेश पत्र न देने पर अड़े रहे और जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के बाहर अभिभावकों को और छात्रों के साथ धरने पर बैठेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि योगी जी के निर्देशन में ही किसी भी परीक्षार्थी को ही परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसके बाद जिला प्रशासन के ही निर्देश पर स्कूल प्रबंधन द्वारा थाना दही प्रभारी की मौजूदगी में ही सभी छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किए गए। अभिभावकों द्वारा ही विमल द्विवेदी और मंच के साथियों का ही आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर मंच के जिला संयोजक अजय त्रिवेदी और मनीष अवस्थी, मनीष मिश्रा, अभिषेक अखिल और शिव सेवक सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरी नौकरी प्राइवेट नौकरी करता हूं चमड़े की फैक्ट्री में, नौकरी छूट गई है। इधर पोल्यूशन की वजह से सभी लोगों को मालूम है कि बंदी थी सरकारी आदेशों की, तो उस वजह से हम लोग की बैठकी हो गई थी। हमारा कुछ फीस बाकी है, वो हम दे नहीं पाए हैं। हमने कुछ स्कूल से कहा है कि मैं फीस जो है जमा कर दूंगा। फिलहाल बच्चे को परमिशन दिया जाए कि एडमिट कार्ड हमको मिल जाए, बच्चा का भविष्य न बर्बाद हो। लेकिन स्कूल जो है कोई सुनने को तैयार नहीं। वो कह रहा चाहे आप अपना घर बेचिए, चाहे बैंक से लोन लीजिए, हमको आप जो है फीस जमा करिए, नहीं तो हम आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देंगे। उन्होंने ये कहा। फिरोजाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने एक युवक का शव पेड़ पर लटका देखा। सूचना के बाद ही मौके पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। बताते चले कि सूचना के बाद से मौके पर पहुंची पुलिस ने ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो कैसे मालूम पड़ी है? सुबह देखा लोगों ने, मोहल्ले वालों ने सूचना दी है। पुलिस पे कहाँ का रहने वाला है? ये जी रहने वाला है पहाड़ियों के पास खेरिया है। तो ये यहाँ किराए पर रहता था? किराए पर रहता है। किसके मकान में रहते थे? जी राजेश चाचा जी उनके मकान में रहते हैं। तो कोई वैसी बात, कौन कौन रहता था इनके मकान में? वो भाई उसकी पत्नी रहती है, दोनों लोग रहते हैं। तो ये सुबह मालूम पड़ी थी? सुबह मालूम पड़ी लाते थे। तो कैसे आपको क्या बात होगी थी ऐसा कदम उठाना पड़ा? इतना हमको पता नहीं, हम तो गांव से आए हैं। कितने बच्चे हैं? दो लड़की हैं। तो ये कब से यहाँ रह रहे थे? यहाँ पे हो गई 5 साल हैं। तो ये जेबीसी चलाते हैं? हाँ जी। आपको सूचना कैसे मिली? इस बहू ने फोन किया था हमारे पास। ये कौन से नंबर के भाई हैं? ये तीसरे नंबर के। तो आप कुछ फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नेकपुल रेलवे लाइन के पास ही तालाब में अज्ञात युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें कि ओदे मुंह तालाब में युवक की लाश मिली है और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकाला है। नशे की लत होने की वजह बताई जा रही है और मौके पर SOG टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की जा रही है। हमीरपुर से खबर है जहां खेत में अजीबोगरीब उपकरण पड़ा मिला है और वहीं ग्रामीणों के मुताबिक देर रात को ही, बताया जा रहा है कि देर शाम या रात के बीच में ही आसमान से खेत पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गिरा और खेत में विचित्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और खेत में मिले उपकरण में ब्लिंक करती हुई लाल लाइट भी जलती हुई दिखाई दी है और ग्रामीणों ने संदिग्ध उपकरण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। मझगवा थाना क्षेत्र के मलेहटा गांव की खेत में ही संदिग्ध उपकरण मिलने से अब लोगों में दहशत देखी जा रही है। तो हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर खेत में पड़ा अजीबोगरीब उपकरण मिला है, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि ग्रामीणों के मुताबिक बताया जा रहा है कि देर शाम को ही आसमान से खेत पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गिरा और खेत में विचित्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने से ही इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और खेत में मिले उपकरण में ब्लिंक करती हुई लाल लाइट भी जलती हुई दिखाई दी है और ग्रामीणों ने संदिग्ध उपकरण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। बता दें आपको कि मझगवा थाना क्षेत्र के मलेहटा गांव में ही खेत में संदिग्ध उपकरण मिलने के बाद लोग अब दहशत में हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।